अच्छा जी, जहाँ पर मैंने लास्ट व्लॉग छोड़ा था ना, वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। उस वीडियो का लिंक है इस वीडियो के कमेंट्स में भी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। सारे व्लॉग जो बोस्निया के हैं, सराइवो के, मोस्टर के, जितने भी थे ना, वो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। मैं कोशिश करूँगी कि ये सारे व्लॉग एक ही वीडियो में इकट्ठे करके ना पूरी शेयर कर दूँ। खैर, वो देखेंगे बाद में, लेकिन अभी जो है हम वापस जा रहे हैं बोस्निया से अब लंदन, तो वो सफ़र मैं आज शेयर करूंगी इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो हमारा बहुत ही अच्छा और मज़े का ये सफ़र रहा। जब हम आए थे ना, मुझे काफ़ी डर थे कि पता नहीं खाना कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी 50-50 थी, 50% मुस्लिम है और 50% डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं। तो मैं जो अबाया पहनती हूँ और फेस कवर करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा डर था कि पता नहीं यहाँ के लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत हमने इन्जॉय किया और बिल्कुल ही फील नहीं होता था कि यहाँ पर मिक्स कम्युनिटी रहती है। इतना जो है ना अच्छा माहौल था यहाँ पर, सेफ़ है यहाँ पर आना। तो जो आ सकते हैं उनसे मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि यहाँ का विज़िट करें, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और खाने पीने की चीज़ें आप नई एक्सप्लोर करेंगे। तो जो लोग कभी टर्की गए हों तो उनको फिर आइडिया हो जाएगा कि टर्की का और यहाँ का, बोस्निया का जो है ना कल्चर, वो मिलता जुलता है। खाना पीना भी काफ़ी हद तक जो है टर्की से मिलता है। जो जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता अपनी उड़ान भर रहा था और मैं सोच रही थी कि देखिए कि मेरा इस कंट्री में भी दाना पानी था, कहाँ से कहाँ मैं आई। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी सोचा भी नहीं था, वह मकमार में भी नहीं था कि कभी मैं इस कंट्री में भी आऊँगी। तो जहाँ जहाँ आपका नसीब का लिखा होता है वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से ना आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएं, आप किसी कंट्री में नहीं जा सकते तो अपने कंट्रीज़ में डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सफ़र ज़रूर करें, सफ़र से आप बहुत कुछ सीखते हैं। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र तमाम हुआ और अभी हम जो है लुटन एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। और ये मैं बता दूं कि ये व्लॉग जो है ना 2 महीने हो चुके हैं हमने विज़िट किए हुए, लेकिन यह है कि साथ फिर रमज़ान आ गया, मैं वो व्लॉग शेयर करती रही, बाकी और कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो फिर मैं वो साथ साथ शेयर करती रही। ये व्लॉग जो है पेंडिंग हो गए तो अब मैं शेयर कर रही हूँ, ये लास्ट व्लॉग है। सच में मैंने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर भी और इस पूरी जर्नी को शेयर करते हुए भी। तो अब हम ले उतर चुके हैं यहाँ पर, हमने खाना खाया, भूख लग रही थी और काफ़ी दिनों से हमने स्पाइसी खाना नहीं खाया तो खूब खाया। स्पेशली मुझे सैलेड इतना मज़े का लगा ना, पूरा बोल जो सैलेड का था वो सारा मैंने फिनिश कर लिया था। लंदन में हमने 2 नाइट्स के लिए होटल बुक किया हुआ था, तो अभी हम जाएंगे उधर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे खुशी जो हो रही थी ना, वो इस बात की हो रही थी कि यहाँ जहाँ हम स्टे कर रहे थे वहाँ पर पाउंडलैंड पास था और H&M था, स्पोर्ट्स एंड डायरेक्ट्स और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा शॉप्स थी। तो मेरा इरादा था कि शॉपिंग करूँगी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला यहाँ पर शॉपिंग करने का। इतना बिजी दिन गुजरे कि बस शाम को हम आते थे जब शॉप्स ये क्लोज हो चुकी होती थी, तो फिर थके हुए होते थे तो कोई नहीं शॉपिंग की। मैंने कहा चलो बर्मिंघम में भी ये सारी शॉप्स हैं तो वहीं से कर लेंगे। और यहाँ पर जो है अभी हम अंदर चलेंगे, फिर देखते हैं कि अंदर जो होटल है वो कैसा है। यहाँ पर तो पहले अपार्टमेंट था, अपार्टमेंट के बाद अब होटल में आए हैं तो ना थोड़ा सा डिफरेंट फील हो रहा है। एक ही कमरा होगा, वहाँ पर तो पूरा जैसे घर वाला माहौल होता है ना अपार्टमेंट्स का, तो वैसा होता है, पर होटल का जो ना थोड़ा मुझे अब डिफरेंट लगता है। अभी जो है अब यहाँ पर बैठे हैं तो हस्बैंड जो है वो सारी फॉर्मेलिटीज़ होटल की होती है वो कम्प्लीट करेंगे और उसके बाद हम रूम में जाएंगे। बच्चे काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, चलो शुक्र है कि खाना वगैरह खा लिया था, अब जाकर आराम से सो जाएंगे। मैंने चाय बहुत ज़्यादा मिस की है, शुक्र है। जैसे ही लैंड किए ना तो जिस चीज़ का मुझे ख्याल आया था वो यही था कि मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चाय मिलेगी। अब अभी जो कुछ व्लॉग्स आएंगे लंदन के वो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी और वो मैं मालिन पास की जो प्लेलिस्ट है उसमें डालूँगी। ये जगह कुछ जगह आगे भी हम आ चुके हैं तो वो मैंने डिटेल में शेयर की हुई थी, लेकिन अभी जो है हम दोबारा आए हैं तो वो दोबारा से देखेंगे। तो मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया है वो मैं शेयर करूँगी, एक जगह नहीं गए थे
तो वो मैं जो है ना आगे इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपने यह जो बोस्निया की जर्नी है वो आपने इंजॉय की होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी फैमिली फ्रेंड्स में से जिनको ट्रैवलिंग का शौक है उनसे ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस सफ़रनामे को यहीं पर इख्तिताम पज़ीर करती हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।